दिमाग तो इनका चलता है भाई। ये लाइव वो होगा ना, ये सब देखें ना, यहाँ से ये देगा आपको मिनिस्टर छोटा भैया, मेरा मिनिस्टर चेंज कर। आ गया पीएम, आ गया सर, पीएम आ गया सर, कार्तिक आ गया, अब मुझे शॉर्ट काट दो। शुक्रिया और स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास कवरेज में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन ब्रिज पर और यहीं से शुरुआत होगी एक इतिहास लिखे जाने की। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और मेरे साथ अमृतपाल सिंह भी जुड़ रहे हैं। Well, thank you, Arun. We can see the Prime Minister arriving at the Nizamuddin Bridge to dedicate to the nation the newly built expressway, the 14-lane access-controlled part one of the Delhi-Meerut expressway, stretching from the Nizamuddin Bridge in Delhi to the UP border. Here, the Prime Minister entering and seeing a model of the bridge. रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी बताते हुए कि क्या कुछ खासियत है इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की, लेकिन जो लोग दिल्ली वासी हो इस बात को भली भांति समझते हैं कि किस तरह से अब उन्हें ट्रैफिक से, कंजेशन से निजात मिलने वाली है। जो हमारे दर्शक इस समय पर जुड़ रहे हैं उनकी आसानी के लिए, सहूलियत के लिए बता दें कि चार फेजेस के अंदर इस पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। आज जिस एक्सप्रेसवे के पहले चरण को लोकार्पण किया जा रहा है वो है निजामुद्दीन ब्रिज से लेकर के उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक, और ये जो पूरा एक्सप्रेसवे का जो पहला चरण है ये लगभग 9 किलोमीटर लंबा है, जिसको बनाने की लागत 840 किलोमीटर या 840 करोड़ रुपए आई है। अमृत, दैट्स राइट, अबाउट 842 करोड़ रुपीस हैज बीन स्पेंट ऑन दिस 9 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। वी कैन सी द यूनियन ट्रांसपोर्ट रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी एक्सप्लेनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर लिसनिंग टू हिम इंटेंटली ऑन हाउ दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड। इट वॉज व्हेन इट स्टार्टेड out, it was supposed to be completed in 30 months, but it has been completed in just 18 months, so well ahead of time. A marvelous feat. India's first 14 lane expressway has been will be dedicated to the nation today by Prime Minister Modi in just a few moments from now. But Arun, as you know, this expressway, which the Prime Minister is looking at pictures of, is already being used by the people of Delhi. It's already in use. बिल्कुल, लेकिन नितिन गडकरी जी एक तरह से काफी अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और ये एक संजोग की बात है कि आज उनका जन्मदिन भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई भी दी है कि जिस तरह से उन्होंने लगातार काम किया है इस रिकॉर्ड समय के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेना अपने आप में कीर्तिमान की स्थापना करने की वाली बात है, क्योंकि इसकी बात कही जा रही थी अमृत के लगभग इसको कंप्लीट होने में, पूरा होने में 30 महीने का समय लगेगा, लेकिन ये नितिन गडकरी जी की एक तरह से जो मेहनती कहा जाएगा कि इसे 18 महीने के अंदर इसे पूरा कर लिया, लेकिन अब मार्च तक कहा जा रहा है, 2019 तक कहा जा रहा है कि यूपी बॉर्डर से लेकर के डासना तक, डासना से लेकर के हापुड़ तक और डासना से लेकर के मेरठ तक इस पूरे हाईवे को पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि जो विस्तार हो रहा है, दूरियां कम हो रही हैं, रिश्ते बन रहे हैं और ये भारत अब एक न्यू इंडिया बनता चला जा रहा है। एब्सोल्युटली, सो दिस इज द 9 किलोमीटर स्ट्रेच, द फर्स्ट फेज ऑफ दिस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे व्हिच द प्राइम मिनिस्टर इज डेडिकेटिंग टू द नेशन इन अ लिटिल व्हाइल फ्रॉम नाउ। द सेकंड पार्ट, एज अरुण यू वर सेइंग, फ्रॉम द यूपी बॉर्डर टू डासना, व्हिच इज अबाउट 28 kilometers. That would be a 6-lane highway. The Prime Minister now electronically pressing the button and dedicating to the nation India's first 14-lane Delhi-Meerut expressway, the 9 kilometers Delhi section or the Delhi stretch, which the Prime Minister has now dedicated to the nation, and which has been of course open to public. The Prime Minister in a little while from now will be actually inspecting
this highway, this stretch of the highway which has been completed. बिल्कुल और जो वेल्सपन के जो लोग हैं लगातार यहाँ पे काम करते रहे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई के जो तमाम कर्मचारी थे उन्होंने जो लगातार मेहनत की है ये उसी का नतीजा है कि आज ये पहला 14 लेन का लंबा जो एक्सप्रेसवे है ये पूरा बनकर के तैयार है और अब दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए काफी ज्यादा सुविधा होने वाली है। तो एक तरह से 90 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा होता हुआ नजर आएगा 2019 तक। लेकिन यह ऐतिहासिक पल, जैसा कि प्रधानमंत्री जाने जाते हैं कि तकनीक हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे का मॉडल हो, अगर देश को समर्पित करते हैं तो उसका जायजा लेने का खुद वो सोचते हैं कि खुद वो उसका जायजा ले। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजामुद्दीन ब्रिज से लेकर के यूपी बॉर्डर तक यानी कि यहाँ जो एक रोड शो होने वाला है एक जीप के अंदर वो इसका मुआयना करेंगे और नितिन गडकरी उन्हें बताते हुए क्या कुछ खासियत है इस हाईवे की, एक्सप्रेस हाईवे की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से एक तरह से रोड शो या फिर यूं कहिए इंस्पेक्शन करेंगे, मुआयना करेंगे कि आखिर क्या कुछ फीचर्स है खास इस एक्सप्रेसवे के, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरी तरह से हरित यानी कि ग्रीन एक्सप्रेसवे की कैटेगरी में इसको रखा गया है क्योंकि जो पूरी तरह से जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, पेड़ पौधों को लगाया गया है, साथ ही साथ जो सौर ऊर्जा का इसमें इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सोलर एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल के बाद में यहाँ पे जो बिजली का उत्पन्न होगा, जो बिजली पैदा होगी वो कहीं ना कहीं काफी अहम भूमिका निभाएगी जो पावर जनरेशन को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर, जो बिजली रात को जलती है उसको भी जनरेट करने में सौर ऊर्जा काफी महत्वपूर्ण होगी। एब्सोल्युटली वेल अरुण, द टेम्परेचर आउटसाइड इज गुड 40 डिग्रीज एंड राइजिंग, द प्राइम मिनिस्टर मूविंग ऑन एन ओपन व्हीकल, एक्चुअली अ रूफ माउंटेड व्हीकल वेयर द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज नाउ स्टार्टेड आउट ऑन दिस स्ट्रेच ऑफ द एक्सप्रेसवे व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड एंड द प्राइम मिनिस्टर इज going to personally inspect this highway which as I said was is the 14 kilometer the only the 9 kilometer long India's first 14 lane highway, so which includes 2.5 meter wide cycle tracks on either side of the highway, a vertical garden on the Yamuna bridge, as you said, solar lighting systems which will not only light up the highway but will also generate electricity for the grid. So that is how this is a green project, because not only is it self-sufficient in terms of lighting, but it's actually providing, generating electricity and contributing to the grid, therefore reducing pollution in the national capital region, watering of plants through drip irrigation system only, of course making the traffic much more safer, much more smoother, and the travel time will be hugely reduced. बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा अमृत 40 डिग्री का टेम्परेचर है, पारा 40 डिग्री क्यों ना हो लेकिन उत्साह भी उतने ही ज्यादा जोरों शोर पर उसी जो पारा है जो लोग में है उनमें भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से लोग यह मोदी मोदी का उच्चारण कर रहे हैं और अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस रोड शो की खासियत ये भी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, लेकिन इस बार क्योंकि ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे है यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट नहीं रोका जाएगा, जो आम जन है वो भी अलग लेन के साथ में आप पे सफर करते रहेंगे, उनका आना जाना लगा रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लेन में रोड शो कर रहे हैं उसके बगल में ही जो लेन जा रही है वहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट लगातार जारी है, जो लोग हैं वो बकायदा पहुंच रहे हैं। 40 डिग्री का टेम्परेचर क्यों ना हो अमृत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उत्साह में कमी आ रही है यहाँ पे लोगों की, भारी मात्रा में हजारों की तादाद में लोग यहाँ इस हाईवे के इर्द गिर्द मौजूद हैं। Absolutely, you can see those visuals where the prime minister, where the lane, where the highway is lined with people, stretches people standing in huge numbers to see the prime minister. And the Prime Minister slowing down his vehicles, waving to the people. We can see excitement in people. The kind of benefits that highway would bring to the people in terms of cutting travel time, and also when you construct such highways, the amount of employment generation that it does. So people realizing the benefits of the highways have lined up to see the Prime Minister come out and inspect. The highway. बिल्कुल, ये देखिए, ये केवल इस एक्सप्रेस हाईवे की बात नहीं है अमृत, इस बात को समझिए सरकार ने जहाँ तक रोड कंस्ट्रक्शन की बात आती है 2013-14 में जहाँ मात्र 12 किलोमीटर रोजाना रोड बनाए जाते थे अब वो बढ़कर के 27 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं।
और अगर आप नेशनल हाईवे नेटवर्क की बात करें तो 2017 में आते आते 120,000 किलोमीटर का जो नेटवर्क है इस जाल को हाईवेज का बैठाया गया है। तो समझ सकते हैं कि आप रोड्स पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर कितना बड़ा फोकस है। और केवल शहरों की बात नहीं अमृत, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आप देखिए कि लगभग 170,000 किलोमीटर रोड जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हैं उसमें निर्माण किया गया है। क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि सड़कें ही विकास का कारण होती है। सड़कों का अगर विकास होता है तो देश का विकास अपने आप होता है। ये जो सड़कें हम देख रहे हैं ये कभी हम लोग टेलीविजन में या फिर पिक्चर्स या इमेजेस में देखते थे अमृत, लेकिन आज शायद ये न्यू इंडिया की पहचान है। ये न्यू इंडिया है जिसकी झलके आज हम वाकई में रियल टाइम में अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। Absolutely. You know, there is a picture in Nitin Gadkari's office. I had visited Nitin Gadkari's office some time back to interview him. There is a picture there in his office which says that America, the American roads are not great because America is a rich country. But America is a rich country because its roads are great. So the roads, the infrastructure is the key push to the development, to employment generation. As you said, you listed our figures, about 200 road projects worth about 1.5 lakh crores are likely to be completed by next year. About the Prime Minister himself will be inaugurating at least 50 big ticket and strategically important highways. Large numbers of projects are being commissioned in a span of 8 to 10 months, which, as I said, would have a significant impact on the economy and especially to generate employment. You know, the road ministry has drawn up a list of 416 ongoing projects worth about 3.26 lakh rupees that are being implemented by the NHAI and are at various stages of completion. बिल्कुल अमृत, मुझे वो समय भी याद है कि जब आप चेनानी नाशरी टनल में जब प्रधानमंत्री थे तब भी आप वहां पे थे। वो भी एक उदाहरण है हाईवे का कि आप किस तरह से हाईवे का निर्माण उन जगह पर जाकर के कर रहे हैं जहाँ पे बेहद जरूरी है, बेहद जो विकट परिस्थितियाँ होती है वहाँ पे जाकर के इनका निर्माण किया जा रहा है। जो लगातार जो एम्प्लॉयज हैं एनएचआई के वो लगातार काम कर रहे हैं। एक असम का आप एग्जाम्पल ले लीजिए जो कि धोला सादिया का 9.25 किलोमीटर लंबा जो हाईवे का निर्माण किया गया, सबसे बड़ा एक तरह से ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र की जहाँ तक बात की जाती है उस पर कंस्ट्रक्ट किया गया वो हाईवे है। तो एक तरह से आपके पास ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तमाम प्रोजेक्ट्स आपके सामने देख रहे हैं आप, ये देखिए कि एक तरफ ये 14 लेन का हाईवे है, एक तरफ आप रिवर के ऊपर नदी के ऊपर एक हाईवे को बना रहे हैं, एक तरफ आप पहाड़ों को चीर करके टनल बना रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नमूना, एक एग्जांपल है न्यू इंडिया का जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री अरुण। आई मीन लुक एट द नंबर ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र। देयर आर अबाउट 52 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट 38,000 करोड़ रुपीस, फॉलोड बाय 45 इन Uttar Pradesh, you know, 28 in Rajasthan, 27 in Gujarat, 26 in Madhya Pradesh. So, you know, this is the highway construction under the Road and Transports Ministry's Highway and Highways Ministry is happening all around the country. Manzile bhi ziddi thi Amrit aur raaste bhi ziddi the, lekin हौसले भी उतने ही जिद्दी थे जिसकी वजह से आज ये सच हो पाया है न्यू इंडिया का सपना। तो जो जिद थी ना कि कुछ हासिल करना है, कुछ देश को करके दिखाना है, यही शायद वजह है कि ये आज हम खूबसूरत दृश्य देख पा रहे हैं इस हाईवे के, 14 लेन का हाईवे। आप पीछे देख सकते हैं जो हमारे दर्शक है कि जो ड्रिप इरिगेशन की सुविधा दी गई है, इसमें प्लांट्स को लगाया गया है, सोलर पैनल्स को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सके और उसे आगे प्रोड्यूस भी कर सके। ये खूबसूरत दृश्य, ये अमूमन हमने विदेशों के अंदर जो मूवीज बनती है, बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज बनती है, वहां देखे थे, लेकिन आज भारत में देख करके अमृत मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। और नितिन गडकरी भी आज उतना ही खुश है, अपने जन्मदिन के दिन शायद अपने आप को तोहफा दिया है, देशवासियों को उन्होंने तोहफा दिया है ये 14 लेन का ये एक्सप्रेस वे जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या खूबसूरत दृश्य है अमृत। एब्सोल्युटली, एंड वंस कंप्लीटेड दिस 90 किलोमीटर प्रोजेक्ट व्हिच इज द फर्स्ट फेज ऑफ व्हिच इज 14 लेन, the rest will be 6-lane expressway, likely to be completed at a cost of about 5,300 crore rupees, is a technological marvel. It involves construction of 11 flyover interchanges, 5 major and 24 minor bridges, 3 railover bridges, 36 vehicular
and 14 pedestrian underpasses. It shall also have an elevated section. That means a section that is risen above the ground of about 6 kilometers. And, you know, this entire project, which has been packaged or broken up into four packages, one from Nizamuddin Bridge to the Uttar Pradesh border, which the Prime Minister is dedicated to the nation and is himself inspecting by going on the road, waving to the people who've lined up there. The second part would be from UP border to Dasna, which is already work is going on that. The third, Dasna to Hapur, and of course the Delhi, and the third from Dasna to Meerut. Amrit, ye dekhiye, bilkul protocol se hat karke Pradhan Mantri Narendra Modi ek bar phir apni lane ko unhone khud change karwaya. बीचों बीच हाईवे के भारी मात्रा में जो लोग खड़े हुए थे उनसे मिलने के लिए, उनसे नजदीक आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेन को बदला और जो क्लोजर लेन होती है जो एक्सप्रेसवे के बीच पार्ट में जो जाती है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें जाना है और वहां पे देखिए जनता के बीच जनता के प्रधानमंत्री जनता के साथ जनता के पास पहुंचते हुए. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है अमृत, मंजिलें कई, इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है. ये केवल एक नमूना है, अभी इम्तिहान कई होंगे, अभी और भी कुछ नापना बाकी है. लेकिन जो न्यू इंडिया बनाने की बात कही जा रही है उस दिशा के अंदर जिस तरह से मेहनत करके इस हाईवे को रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है, जनता इसको मानती है, समझती है. क्योंकि अमृत, आप मैं हम सब जानते हैं दिल्ली में जब हम जाते हैं और रोज हमें कितना ट्रैफिक से जूझना पड़ता था, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे लग जाते थे. ये जनता इस बात को समझती है कि ये ट्रैफिक का टाइम कम हो जाएगा, अब आप 10 से 15 मिनट के अंदर दिल्ली के अंदर होंगे और आप अपने ऑफिस के अंदर होंगे, काम कर रहे होंगे. Absolutely. I mean, I take this highway often and it takes about, you know, on a peak hour, anything from 1-1.5 hours from the UP border to the Nizamuddin Bridge. Now, as you said, this travel time is reduced to about 15 minutes. And, you know, this is access control. That means once you get in, there is no slowing down of traffic until you get out of that particular section of the highway. It is much more safer, it's much more faster. Once completed, the whole highway till Meerut, you know, Meerut right now takes a good 4-4.5 hours. That will be reduced to just about 45 minutes. So that is the time that you're cutting in, you know, the fuel efficiency, the pollution, of course, the safety aspect of it. So it is truly a gift to the people. And people I have lined up along this highway, this stretch of the highway, which the Prime Minister is right now inspecting. So clearly, you know, expressing their gratitude to the Prime Minister and the Prime Minister responding back by waving at them. CCTV cameras jis highway par ho, jis highway pe solar panel se bijli ka nirmaan kiya ja raha ho. ऐसे हाईवे जहां पर अगर वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा हो तभी ट्रैफिक को ना रोकना पड़े, इसे हम नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहेंगे, जिसकी शायद भारत हमेशा से डिमांड कर रहा था, मांग कर रहा था. अमूमन हाईवे ऐसे बनाए जा रहे थे अभी तक जिसके अंदर आपको आज की जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे थे. लेकिन अब इन जिस तरह के हाईवेज का निर्माण किया गया है, एलिवेटेड रोड्स इसके अंदर हैं और जिस तरह से सीसीटीवीज है सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से, इन तमाम चीजों को अगर आप देखें, इस अगर हाईवे की बात करें, इस पे 5 बड़े मेजर ब्रिज हैं, 24 छोटे ब्रिज हैं, 3 रेल ओवर ब्रिज, इन जो पूरा मुख्य जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उस पे 3 रेल ओवर ब्रिज होंगे. सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि पेडेस्ट्रियन को काफी तरजीह दी गई है, पेडेस्ट्रियन के लिए अंडरपास बनाए गए जो कि लगभग 4 अंडरपास हैं. अमूमन हम इन हाईवेज पर देखते हैं कि साइकिल सवार आजकल बहुत ज्यादा आते हैं, सुबह जो व्यायाम के वक्त होता है साइकिल से वो आते हैं, साइकिल चलाते हैं. तो ऐसे 28 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक्स को भी बनाया गया है. सर्विस रोड लगभग 74 सर्विस रोड इस हाईवे की अगर बात की जाए तो इन पर होंगे. तो इन तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तमाम जरूरतों के लिहाज से, इन जरूरतों को ध्यान में रख करके जब बनाया जाता है तो इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है. लोग कूद कूद करके देखिए अपनी जगह पर अमृत और उनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आज के दिन. लुक एट द नंबर्स, लुक एट द नंबर्स, यू नो हाउ दे हैव टर्नड अप.
actually there on the street. You can see normal vehicular traffic moving along. Just one lane taken by the Prime Minister's cavalcade, the other lane for the people who've gathered here on the highway, and the rest of the highway is functional. As you can see, the Prime Minister's cavalcade is moving, and you can see vehicular traffic moving behind that. Generally, if you remember, you know, when the Prime Minister's cavalcade moves, the SPT, for security reasons, blocks that road. But generally, you know, that, as you was rightly saying, this is the next generation infrastructure where you've created 14 lanes, enough for the SPG to secure the Prime Minister, as well as not, you know, cause discomfort to the commuters and let them carry on with their normal commuting and the regular traffic ongoing on this 14-lane, India's first 14-lane expressway. ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक जनता के बीच जनता के पास उनसे मिलते हुए लोग सेल्फी खींच रहे हैं 40 डिग्री से ज्यादा का पारा यह दिल्ली के अंदर बढ़ा हुआ है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं जितना पारा दिल्ली में बढ़ा हुआ है उतना ही उत्साह में भी लोगों के जो पारा है वो बढ़ता हुआ देख सकते हैं अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैवलकेड को रोकते नहीं है लेकिन प्रोटोकॉल को हमेशा कुछ ना कुछ बदल करके करने के लिए जाने जाते हैं पर प्रधानमंत्री का जो कैवलकेड धीरे होते हुए हर किसी से बातचीत करते हुए समझते हुए हाथ हिला करके अभिवादन करते हुए और जनता भी दौड़ लगा रही है अगर आप देख सके अमृत इन विजुअल्स के अंदर जनता भी दौड़ लगा रही है इस कारकेड के साथ में और कोशिश कर रही है कि इस कैवलकेड के साथ साथ वो भी दौड़ सके एक झलक पाने को इस प्रधान सेवक की जिसने शायद ये न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा के अंदर ये देखिए रिकॉर्ड टाइम के अंदर हाईवे को बना दिया ये भीड़ पीछे से दौड़ती हुई आ रही है इस हाईवे के अंदर ये हाईवे इतना विशाल है कि इस हाईवे के ऊपर अगर आप एक चॉपर को या फिर आप एक एयरप्लेन को अगर लैंड भी कराना चाहें तो वो भी लैंड हो सकता है इतना विशाल ये जो So not only are these solar panels all along the highway going to light up this particular highway at night, but they are also going to produce solar panels. गुलाब के फूल लगातार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना उनके नजदीक आ रहे हैं उनका स्वागत करते हुए ये भीड़ अपने आप पे बयां करती है कि ये जनता कितनी खुश है इस हाईवे की शुरुआत होने की वजह से अगर शायद ये हाईवे आज ना बना होता तो ट्रैफिक की समस्या से कल सोमवार के दिन लोगों को फिर जूझना पड़ता वही मंडे टू फ्राइडे के रूटीन में लेकिन अब जनता जानती है दिल्ली वासी और एनसीआर वासी समझते हैं कि कल जब वो ऑफिस जाएंगे तो उन्हें एक से डेढ़ घंटा नहीं लगेगा अमृत आपको और मुझे एक से डेढ़ घंटा नहीं लगेगा हम लोग महज अब 10 से 15 मिनट के अंदर अपने ऑफिस में होंगे ये जनता जो कि आपको ये भी आप अपने ऑफिस में या फिर आपके घर के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर Absolutely. And, you know, it has facilities that generally we, as you were saying, see in advanced countries or in developed countries. A 2.5-meter cycle track on both sides has been made along the stretch of this highway. Right now, it is a 9-kilometer highway, but, you know, this will be available for about 26 kilometers, so 26-kilometer long cycle track on both sides of the highway. Yeah.
excitement in the people, which we can see they've lined up all along the route that the Prime Minister is inspecting, showing their gratitude and truly expressing their amazement at the speed at which this highway or this section of the high expressway has been executed. The speed at which it has been constructed and the facilities it has, the Prime Minister is acting with people very, very closely, in vehicles moving very close to the people, and the people showing victory signs, waving at the Prime Minister waving back at them. अमृत हमने इतने रोड शो देखे to keep them on the other side, but they're actually getting on the dividers, wanting to, you know, get closer to the Prime Minister. So the number of people who have turned up in this garlands at the Prime Minister's vehicle. You can see the excitement. You can see, you know, look at the number of people. Our cameras aren't being able to capture that now. Yes, see that, you know, people running along the whole these three lanes have been taken over by the people. In the morning, you know, when we were talking to the Delhi police, they were telling us that one section is being is where the Prime Minister is going to his cavalcade is going to move, and there is one particular lane where people who might line up, but I think the security's considerations have been taken off, and people have actually occupied the whole section of the road.
अमृत, जिस जगह से इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा रेसिडेंशियल एरिया नहीं है यहाँ पे आसपास में, ये एक कम्प्लीटली हाईवे का एरिया है, लेकिन आप सोचिए रविवार का दिन लोग 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीट करने के लिए आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका एक झलक पाने के लिए आ रहे हैं, तो समझ सकते हैं आप कि कितनी खुशी महसूस कर रहे होंगे आज ये दिल्लीवासी। जितना इनफॉर्मल तरीके से शायद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके नाम के नाम को पुकार रहे हैं और जैसे माला उछाल रहे हैं उनके ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि आज ये प्यार there is excitement in people to see the Prime Minister from very close quarters, and the Prime Minister actually it must be a nightmare for the SPD to let the Prime Minister get so close to the crowds on the road who have come out of their homes and gathered here to see the Prime Minister. If we talk about this highway, it is India's first green highway in many ways. As I was saying, India's first 14-lane highway. And it is also India's first highway to be lit by solar power. It is India's first highway to have provisions of rainwater harvesting on every 500 meters on both sides. And it is, once completed till Meerut, it will showcase 36 national monuments and 40 fountains. And of course, it is first in the sense that at the record speed that it has been completed, the completion time given by the NHAI was 30 months at the starting of the project. Remember, the Prime Minister himself had inaugurated it, in 2017, and it has been completed in a record time of just 18 months. अब ये मेरठ तक का जब एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा, यानी कि कहा जा रहा है साबित होने की दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरह से इस एक्सप्रेसवे की जो मांग थी काफी लंबे समय से थी। दोनों हाथों से अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी and now is inspecting this highway, but the crowds that have gathered here despite the heat to see the Prime Minister, wave at the Prime Minister, see him from close quarters, the Prime Minister responding back by waving at him.
amount of people who've gathered here to wave at the Prime Minister, to see him at close quarters. The crowd actually running along the entire stretch that the Prime Minister is inspecting today. I was talking about the features of this expressway. You know, as you were saying, that Swachh Bharat, the various schemes of the government. अभी अगर आज की बात की जाए तो 4 से 4.5 घंटे का समय लग जाता है, कई बार अगर ट्रैफिक जाम मिले तो 5 घंटे तक लग जाते हैं। तो समझ सकते हैं कितना अहमियत है इस प्रोजेक्ट्स की इस अर्थव्यवस्था के अंदर। दूसरी बात यहाँ पे ये है, अमृत के जो दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी भी निगाह इस एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट्स पर होगी। जिस तरह से रिकॉर्ड टाइम में इस एक्सप्रेस वे के काम को पूरा किया गया, ये दर्शाता है कि भारत कितनी जल्दी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कितना जल्द काम कर रहा है। ये भारत की रेटिंग को ऊपर लाने में भी बहुत मदद करता है। और ये जो दोनों एक्सप्रेस वे है, यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस जो कि रिकॉर्ड 500 दिन में बन गया, और जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है जो कि रिकॉर्ड 18 महीने में बन गया, कि भारत कितना ज्यादा कमिटेड है इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की दिशा में। एब्सोल्युटली, यू नो द मेजर थिंग, द बेनिफिट दैट अक्रूज फ्रॉम दिस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस व्हिच इनविसाजेस अ सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी बिटवीन गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद एंड पलवल, इट विल डीकंजेस्ट द नेशनल कैपिटल। अबाउट 2 लाख व्हीकल्स इंक्लूडिंग कमर्शियल व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, यू नो big trawlers, they are expected to ply on the expressway without entering the national capital. That means they can bypass the national capital. Right now, if you had to, you know, for trucks going to Jammu Kashmir, Punjab, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, they were crossing through Delhi. So about they will be diverted out of Delhi, bringing down vehicular pollution greatly. Shops, etc.
monument replicas pertaining to the Ashoka line, the Ashok Chakra, the Konark temple, the Jallianwala Bagh, the Gateway of India, Qutub Minar, Char Minar, the Red Fort or the Lal Kila, Kirti Stump, India Gate,